नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा है कि बिहार में शिक्षकों के तबादले का आवेदन 7 से होगा। नए साल में नए विद्यालय में योगदान करेंगे शिक्षक, एस सिद्धार्थ का कहना है। विकल्प दे सकेंगे हर शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों से तबादले का आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा। यही नहीं, उन्हें दिसंबर के अंतिम सप्ताह के पहले नया विद्यालय भी आवंटित हो जाएगा। तो ये भी एक अपडेट आ रही है। स्पष्ट रूप से एस सिद्धार्थ ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद बड़ा फैसला ले लिया है। कक्षा 5 से 8 में होगा ओलंपियाड। 10 विकल्प दे सकेंगे हर शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया 7 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है। बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो देख सकते हैं कि वही स्पष्ट रूप से सैलरी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। प्रधान शिक्षक इन हैंड सैलरी देखिए 30,500, डीए 15,250। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एचआरए 6,100। मूल वेतन में जो है वो बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। मेडिकल देखिए 1,000, एनपीएस कटौती 4,575 रुपये। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 61,000 के आसपास सैलरी जो है वो जा रही है। जैसे मैं कि आप पहले भी बता चुका हूँ कि भाई नया साल आपके लिए सुखद आने वाला है और 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा नए साल में हो सकती है। सरकारी स्कूल में फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने की कवायद तेज है। 1 जनवरी से बच्चे की लगेगी फीस रीडिंग से डिजिटल हाजिरी, ये भी खबर आ रही है। आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आगे चलते हैं। TRE 1 TRE 2 में फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है जो कि NIOS DLED से हैं। मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूँ और फिर अपने चैनल के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि TRE 1 TRE 2 में सीटें लगातार खाली होती जा रही है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि नए सीटों पर नए शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है जो 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं। तो यहाँ देखिए विद्यालय का नाम दिया गया है, प्रथम योगदान की तिथि दी गई है, प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे प्रश्न सत्र दिया गया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि शिक्षक शिक्षिका का नाम दिया गया, विद्यालय का नाम दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है। प्रश्न कोटि दी गई है और DLED प्रश्न सत्र दिया गया, यहाँ पे प्रश्न संस्था का नाम दिया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं सहायक शिक्षकों के पद होंगे खाली, ये बात भी कही जा रही है। और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधान शिक्षक पद के लिए पिछले दिनों हुई परीक्षा का परिणाम ले सकते हैं शुक्रवार को प्रकाशित कर दिया गया है। जिले के सैकड़ों सफल अभ्यर्थी रहे। दूसरी ओर सफल शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद जिले के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में भी सरकार की ओर से ले सकते हैं कि अब तैयारी है। एक तैयारी बहुत बड़ी की जा रही है। आप देख सकते हैं सहायक शिक्षकों के पद जो हैं वो खाली होंगे, इन पदों को भरने की तैयारी भी जल्द जल्द पूरी होगी। ऐसे में आगे सकते दूसरी ओर हम बात करें तो एक सुधी पत्र जारी किया गया है और TRE 3 का फिर से एक आंसर की जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 9-10 के लिए आवेदन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 के गणित विषय के संबंध में दिनांक 3/10/2024 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के क्रम में सूचित करना है कि उक्त परीक्षित अंतिम आदर्श उत्तर के कुछ उत्तरों को अपरिहार्य कारणों से संशोधित किया गया है। देख सकते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया अभी तक चल रही है और ये जो था वो आंसर की जारी किया गया था फाइनली, और इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए थे। इसके बाद इस आंसर क्यू को जारी किया गया, आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि भाई ये डिलीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ABC ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किया गया है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है उनका TRE 3 के तहत उनका जो है फाइनल आंसर की जारी किया गया है, उसमें संशोधन भी किया गया है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतने ही, धन्यवाद। तो जय हिंद।